नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मरुद्रा न्यूज़। बात करते हैं राजस्थान की 10 बड़ी खबरों पर। सीएम अशोक गहलोत से मिले सरदार सर विधायक अनिल शर्मा, जीत के लिए जताया आभार, क्षेत्र की समस्याओं से करवाया अवगत। झालावाड़ के सरकारी स्कूल में बच्चों को बीजेपी को वोट देने की शपथ दिलाई। भाजपा जनाक्रोश रैली की सभा के बाद गहलोत सरकार ने किया हेडमास्टर को सस्पेंड। शिक्षक भर्ती परीक्षा की जल्द होगी विज्ञप्ति जारी। उपेन्द्र यादव बोले, पदों की संख्या में बढ़ोतरी के साथ परीक्षा की तारीख में भी होगा बदलाव। फ्लैगशिप योजनाओं का फीडबैक लेने सीएम अशोक गहलोत खुद फील्ड में उतरे। राहुल गांधी को आई पसंद योजना। 19 दिसंबर को अलवर में होने वाली सभा में जनता को फायदे बताएंगे राहुल गांधी। पीएम मोदी आज महाराष्ट्र गोवा दौरे पर। नागपुर में मेट्रो के पहले फेज का करेंगे उद्घाटन। गोवा में इंटरनेशनल एयरपोर्ट की देंगे सौगात। हिमाचल प्रदेश के नए मुख्यमंत्री होंगे सुखविंदर सुक्खू। प्रतिभा गुट के मुकेश अग्निहोत्री होंगे डिप्टी सीएम। आज दोपहर 1:30 पर होगा शपथ ग्रहण। राहुल गांधी लेंगे हिस्सा। अमेरिका ने माना भारत सहयोगी ही नहीं बड़ी शक्ति होगा। व्हाइट हाउस एशिया के संयोजक बोले, भारत की है अपनी अलग रणनीतिक पहचान। राजस्थान में 100 नए चेहरों को मौका देगी भाजपा। बड़े नेताओं के कट सकते हैं टिकट। गुजरात फॉर्मूला होगा लागू। भारत ने बांग्लादेश को 227 रनों से हराया। ईशान किशन ने जमाई वनडे की सबसे तेज डबल सेंचुरी। विराट कोहली ने लगाया करियर का 72वां शतक। रोनाल्डो की टीम पुर्तगाल फीफा वर्ल्ड कप से हुई बाहर। मोरक्को ने नॉकआउट में हराया। वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल में पहुंचने वाली पहली अफ्रीकी टीम बनी।